للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. वो कैसा है रब, कितनी मोहब्बत है उसके पास हमारे लिए। हम दुनिया वाले से कुछ चीज़ शेयर करते हैं ना, तो कभी ना कभी हमें ताना दे देते हैं, है ना, हमें ताना। या अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर वो उस मोहब्बत का टेस्ट भी हमसे लेते हैं कि आपको ये टेस्ट पास करना होगा। लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी नहीं है, हम हर टेस्ट में फ़ेल होते हैं फिर भी वो रब रिस्क के दरवाजे हम पे बंद नहीं करता। हम इतने गुनाह करते हैं फिर भी जब एक दफ़ा अपने रब को सच्चे दिल से पुकारते हैं वो रब जवाब ज़रूर देता है, ठीक है ना। वो जो रब है वो टूटे हुए दिलों को थाम लेता है, वो रब है जो अकेलों को सहारा देता है, वो आपका रब है जिसकी वजह से आज आप ये सारी बातें सुन रहे हैं, वो रब जिसने आपको एक बेहतरीन शक्ल में इस दुनिया में भेजा, वो रब जिसने आपको बेहतरीन प्यारे खूबसूरत बच्चे अता फरमाए, आपको बेहतरीन जोज दिए, बेहतरीन आपको फ्रेंड्स दिए इस दुनिया में आने के लिए। कितना कुछ अल्लाह ताला ने आपके इंतज़ाम किया। ये कौन है रब? वो अल्लाह ही है। और आपको पता है कि अल्लाह जब मोहब्बत करता है तब क्या होता है, कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है ना, मफहूम है हदीस का, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से बुला कर उनको कहते हैं कि इस फलां बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ तो तुम भी इसे मोहब्बत करो। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बारी बारी हर आसमान के फरिश्तों से कहते हैं कि अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, मैं भी इसे मोहब्बत करता हूँ तो तुम भी उसे मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। और फिर वो मोहब्बत दुनिया वालों में डाल दी जाती है और दुनिया वाले उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। कभी कभी बड़ा दिल परेशान नहीं, खुश भी होता और परेशान भी कि ये सब लोग मुझसे क्यों मोहब्बत कर रहे हैं। तो फिर ये हदीस जहन में आती है कि हाँ, लगता है कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। तो दुनिया वाले जो मुझे जानते भी नहीं हैं, जिन्होंने मुझे कभी देखा भी नहीं है, जिन्होंने सिर्फ मेरी आवाज़ सुनी है, और वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, ये आम बात नहीं है। ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? ये अल्लाह की मोहब्बत की वजह से हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको सुकून चाहिए, अगर आपको चैन चाहिए, आपको दुनिया में आगे जाना है, आप चाहते हैं दुनिया भी आपकी हो और आखिरत भी आपकी हो, तो आपको अपने रब से मोहब्बत करनी है, ठीक है। वो मोहब्बत का असल हकदार है। और मुत्तकी लोग जो अल्लाह से डरने वाले हैं वही सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं सिर्फ वही अल्लाह से मोहब्बत करते हैं।